स्टार्ट अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो प्रस्ताव हम लोगों के सामने इस सदन में रखा गया वह सचमुच में एक विचारणीय विषय है। आज हमारे देश की हालत किसी से छिपी नहीं। हर आदमी जानता है कि देश के कई भागों में वर्षा नहीं हुई। इसके कारण देश के कई हिस्सों में, जिनमें कि बिहार प्रमुख है, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चाहे हम इस बात से कितना भी इनकार क्यों ना करें कि अभी तक भूख से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है कि अब ऐसी स्थिति होने में कोई कसर नहीं रह गई है। आप यह समझ लीजिए कि किसी दिन भी आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि अमुक स्थान में भूख से इतने आदमियों की मृत्यु हो गई और इतने पशु समाप्त हो गए। पैराग्राफ चेंज। मैंने स्वयं इन इलाकों का दौरा किया है। करीब करीब हर गांव और कस्बे को देखा है। मैं जहां भी गया हूं, वहीं एक जैसी दुख भरी कहानी सुनने को मिली। हर आदमी ग्रामवासी के मुंह पर एक ही शिकायत है कि इस साल हमारा क्या होगा। उनके पास अनाज का भंडार समाप्त हो गया है। पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं है और सरकार द्वारा कोई उचित प्रबंध अभी तक नहीं हुआ। बेशक सस्ते गल्ले की बहुत सारी दुकानें खोलकर सरकार ने इस दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है, किंतु यह दुकानें अभी बहुत कम संख्या में हैं और गांवों से बहुत दूर दूर भी हैं। इन दुकानों की दूरी और भी इसलिए अखरती है कि क्योंकि आजकल पानी ना होने से ग्रामवासी किसी और मेहनत मजदूरी की तलाश में लगे रहते हैं। ऐसे समय यदि उन्हें अनाज प्राप्त करने के लिए अपने गांव से मीलों दूर जाना पड़े और उनके आने जाने में ही पूरा दिन समाप्त हो जाए, तो फिर आप ही बताइए वे बेचारे क्या करें। इसलिए जहां हम एक ओर यह ध्यान दे रहे हैं कि सस्ते अनाज की दुकानें खोली जावे, वहां दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि इन दुकानों की दूरी एक दो मील से अधिक ना हो। भले ही इसके लिए हमें कुछ अधिक दुकानें खोलनी पड़े, यह एक बहुत ही आवश्यक बात है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ अधिक धन भी खर्च हो, लेकिन ऐसा ना करने से काम ना चलेगा। स्टॉप।